अवलन तमाम किस्म की तारीफ़ात हमदो सना असमत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदा शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सेबा है। बादहु दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अंबियाए किराम और रसूलान इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल अंबिया व इमामुल मुरसलीन, इमाम थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नत जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں, آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع بحث ہے وہ ہے جو پسند نہ تھا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी मासियत के काम हैं, जो भी शरीयत के अंदर हराम हैं, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी वाले काम हैं, हर गुनाह के काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थे। हर बुरे कामों से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नफरत करते थे। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन बातों के बारे में अहादीस के अंदर इस बात का जिक्र मौजूद है कि ये काम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को करना नापसंद था, ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद को नापसंद करना ये सच्चे और पक्के मोमिन होने की अलामत है। ये एक सच्चे और पक्के मोमिन होने की पहचान और अलामत है कि इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद को नापसंद करे। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के अंदर ये बातें कूट कूट करके भरी हुई थी कि वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नापसंद को नापसंद ही करते थे, अगरचे वो चीज़ें हलाल ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर जाबिर बिन सुलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको एक वसीयत की। क्या वसीयत की? कि ऐ जाबिर बिन सुलेम, तुम गाली मत देना, तुम किसी को भी गाली मत देना। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना ये बहुत ही नापसंद था। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको यही वसीयत की। जाबिर बिन सुलेम कहते हैं कि फमा सबब तो बादहु हुर्रन वला अब्दन वला बईरन वला शातन, कि जिस दिन से मुझे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की और अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया गाली के ऊपर, उस दिन से मैंने किसी आज़ाद इंसान को गाली नहीं दिया, उस दिन के बाद से मैंने किसी गुलाम को गाली नहीं दिया, उस दिन के बाद से मैंने इंसान तो दूर की बात है जानवर तक को भी मैंने बुरा भला नहीं कहा। अल्लाह अकबर। मैंने किसी ऊंट को गाली नहीं दी, मैंने किसी बकरी को गाली नहीं दी। ये थे सहाबाए किराम कि वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नापसंद को हर हाल में नापसंद करते थे। तो भला बतलाइए कि आज का खुतबा जुमा सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नापसंदीदा चीज़ों को नापसंद करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज के खुतबे जुमा की जो सबसे पहली चीज़ है जिसको आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हद दर्जा नापसंद क्या करते थे, वो है बिला वजह में सवाल करना। जी हाँ, आजकल बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो फालतू में सवाल करना शुरू कर देते हैं। उनको अमल करने का मकसद नहीं रहता, अमल करने की नीयत भी नहीं रहती, और जो चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है उसका सवाल करते रहते हैं आलिमों से। अब एक आदमी ने हमारे आधुनिक के अंदर एक मौलाना से ये सवाल किया कि मौलाना आप ये बतलाइए
कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन वही लेकर के आते थे? तो मौलाना ने कहा कि हाँ, जिब्रील अमीन वही लेकर के आते थे। तो सवाल करने वाले इंसान ने कहा कि मौलाना, अच्छा ये बतलाइए, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अब तो वही का दरवाज़ा भी बंद है, तो अब जिब्रील अमीन का क्या काम है? देखिए, गैर ज़रूरी सवाल है। मौलाना भी जो है ज़रा सटपटा गए, बोले कि मौलाना मैं क्या जवाब देता इस तरह के सवाल करने वालों को। तो ये गैर ज़रूरी सवाल करना, ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा नापसंद था। सही बुखारी की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करिहल मसाइल वआबहा, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिला ज़रूरत में चुपके चुपके गैर ज़रूरी सवालात करने को मायूब समझते थे, नफरत करते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा गुस्से से सुर्ख हो गए थे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के गैर ज़रूरी सवाल करने की वजह से। और याद रख लीजिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी हमारे लिए ही हुक्म है। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो कि अहादीस की अक्सर किताबों के अंदर मौजूद है, सही बुखारी के अंदर भी ये मौजूद है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ख़त लिखा। ज़रा गौर से सुनिएगा, हमारे लिए बहुत कीमती नसीहत है। ये ख़त लिखा और कहा कि ए मुग़ीरा बिन शोबा, तुम मुझे कोई ऐसी बात लिख करके भेजना जो तुमने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुनी हो। तो मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये पैगाम लिखा कि इन्नी समितु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल्लाह करिहा लकुम सलासन, कि ए लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए तीन चीज़ों को नापसंद करता है। जी हाँ, तीन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए नापसंद करता है। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि वह कसरत सवाल, कि ज़्यादा सवाल करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो चीज़ नापसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी वही चीज़ नापसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिला वजह में कसरत सवाल नापसंद है। हाँ, इंसान अमल करने के लिए सवाल करे, इंसान जन्नत में ले जाने वाले आमाल का सवाल करे, इंसान जहन्नम से दूर हो जाने वाली चीज़ों के बारे में सवाल करे, लेकिन इंसान ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल करता है कि अल्लाह की पनाह, हमारी रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी ऐसे सवालात आज का इंसान कर रहा है। भला बतलाइए कि ये मुसलमानों की पहचान है? अभी कल ही मैं देख रहा था आई प्लस चैनल के अंदर एक सवाल आया, शेख किफायतुल्लाह सनाबली साहब से एक इंसान सवाल कर रहा राजस्थान से कि शेख, हमारे यहाँ के जो इमाम साहब हैं, वो इमाम साहब दुकान किए हुए हैं और वो दुकान में वो भी बैठते हैं, कभी कभी उनकी बीवी भी बैठती है, तो क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी? अस्तग़फिरुल्लाह, देखिए कैसे कैसे लोग सवाल करते हैं, देखिए कैसे फितनेबाजियाँ हैं। तो शेख साहब ने भी बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि अच्छा ये बतलाओ कि अगर कोई ऐसा मस्जिद का जिम्मेदार है, मुतवल्ली है, जिसकी बेटियां कॉलेज के अंदर पढ़ती हों बगैर पर्दे के फिरती हों और वो मुतवल्ली साहब का भी कोई दुकान हो, तो क्या ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज हो जाएगी? देखिए कैसी फितनेबाजियां हैं, हमारी जमातों के अंदर भी ऐसे लोग हैं। मेरे दोस्तों, ये ज़माना बिला वजह में सवालात करने का नहीं है, बिला वजह में खिगड़ने का नहीं है, ये फितनों का दौर है। ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि हम उन चीज़ों के बारे में सवाल करें जिनसे हमारी आखिरत संवर सकती है। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, दूसरी चीज़ जो अल्लाह को नापसंद है, इज़ाअतुल माल, अल्लाह रब्बुल आलमीन को माल बर्बाद करना पसंद नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, आज हम कितने माल बर्बाद करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना वायरस ने हमें सिखला दिया है कि माल की हिफाजत करना कैसे है। लोग पाई पाई को तरस गए, लोग खाने खाने को तरस गए, जिन लोगों ने सहद सहद करके रखा था, अपने माल को फजूल चीज़ों में बर्बाद नहीं किया था, उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान माना कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है कि हमने कुछ बचा के रखा था। और जिन लोग माल को लुटाते थे,
फजूल खर्चियां करते थे, आज देख लीजिए उनकी कैसी हालत है। लिहाजा माल को बर्बाद ना करें। बुरा वक्त बोल करके नहीं आता है। जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माल दिया है, हम उसकी हिफाजत करें। मुसलमान तो यही नहीं जानता है, बस मुसलमानों के पास पैसे आ गए, ये गाड़ी लेता है, एक गाड़ी बेचता है, दूसरा गाड़ी लेता है, दूसरा बेचता है, तीसरा लेता है, एक घर अच्छा खासा घर है उसके पास, नहीं नहीं ये घर बराबर नहीं है, और एक तीसरा घर लेता है, वो नहीं छोड़ करके और एक चौथा घर लेता है। अरे माल की हिफाजत कैसे की जाती है? इस्लाम हमें सिखाता है कि माल की हिफाजत करो, लेकिन मुसलमान माल को बर्बाद करने में लगा हुआ है। दुनिया के अंदर माल की कैसे हिफाजत की जाती है, बुखालों से जाके सीख लीजिए। जी हाँ, हम माल की हिफाजत तो करना जानते नहीं, हराम कमाई करने पर तुले हुए रहते हैं। बस हराम कमाई करना है, खूब कमाना, खूब कमाना है। अरे जितना आप कमाते हैं उसी की हिफाजत कीजिए। माल की बर्बादी करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है। ये चीज हम मुसलमान नहीं समझते। और तीसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कील व काल, यानी कि यही बातें, इधर उधर की बातें, फेंकने की बातें, बहुत सारे लोगों की ही बात होती है, बस वो फेंकते रहते हैं। जब देखो ये बात वो बात, कभी ये, यानी बेमकसद बातें। ये तीन चीजें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ना कील व काल, फेंकना जिसे बोलते, और हमारे शहर में तो लोग कुछ ज्यादा ही फेंकते। फेंकिए मत, जो सही बातें हैं आप वही बातें अपनी जुबान से अदा कीजिए, कामयाब रहेंगे, और ज्यादा सवाल भी नहीं और माल की बर्बादी भी नहीं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो नापसंद है ये, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी ये तीनों बातें नापसंद हैं। लिहाजा हमेशा होशियार रहें, जो भी सवाल करना है हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सवाल करें जिससे हमारी आखिरत संवर जाए। जानते हैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो दूसरी चीज़ नापसंद थी, जो आज आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत ने उसको अपना लिया है, जो आज बहुत सारे मुसलमान आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सोना ये हराम करार दिया है, मर्दों के लिए सोना ये हराम करार दिया है। लेकिन देख लीजिए कितने ऐसे मुसलमान हैं जो सोना की अंगूठी पहनते हैं, सोने की चैन भी पहनते हैं, और क्या कहते हैं, क्या करूं वो मेरी सास दे दी थी, क्या करी वो मेरी एक जो है रिश्तेदार के अंदर था, नई नई शादी हुई है, उसने मुझे ये अंगूठी पहना दी। अरे भाई, अगर सास तुम्हारे बोले कि जहन्नम के अंदर चले जाओ तो चले जाओगे? यानी हर चीज़ क्या है, ससुराल के ऊपर ढकल देते, किस लिए? उस चीज़ को जायज़ करने के लिए। हालांकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी को मर्दों के लिए हराम करार दिया और सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, सोने की अंगूठी देखी, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त गुस्से की हालत में उस अंगूठी को निकाल के फेंक दिया और कहा कि तुम में से कोई इंसान जहन्नम की आग को और अंगारे को अपने हाथ में लिए फिरता है? जी हाँ, सुन लीजिए, वो इंसान जो सोने की अंगूठी पहनता है वो इंसान जहन्नम की आग को पहनता है, वो इंसान जो सोने के हार को पहनता है शादी के नाम पर, ससुराल के नाम पर, वो इंसान सोने की हार नहीं, जाहिर में तो सोने का हार होता है लेकिन वो आग का हार होता है, आग का अंगारे का हार होता है, वो भी दुनिया की आग नहीं, जहन्नम की आग, उसकी हरारत और गर्मी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम में से कैसे एक इंसान जहन्नम की आग के अंगारे को हाथ में लिए फिरता है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना कह करके वहां से निकल गए। जरा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आजकल जब नाते पढ़ी जाती है लोग मुंडी हिलाते हैं, मुंडी हिलाना बहुत आसान है, अपने नफ्स को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे करना ये बहुत मुश्किल है। यही तो असल मतलूब है, मुंडी हिलाना और झूमना तो हर किसी को आता है, लेकिन हदीस रसूल आते उसे अपनाना ये किसी को नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। बस हदीस रसूल आई, दुम दबा करके भाग गए। यहां से गौर से सुनिएगा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से अंगूठी को निकाल दी और फेंक दिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले गए,
सहाबा किराम ने उस सहाबी रसूल से कहा, खुद खातमा का इंतफा भी, क्या मेरे दोस्त आप ये अंगूठी उठा लीजिए और इससे फायदा उठा लीजिए, यानी कि इस अंगूठी को बेच लीजिए और रकम ले लीजिए या फिर अपनी बीवी को दे दीजिए, ये मतलब है। इसलिए कि सोना तो औरतों के लिए हलाल है। जरा गौर कीजिएगा उस साहब रसूल ने क्या कहा, जरा गौर कीजिएगा। आज हम दावा करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं, लेकिन अपने नफ्स को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे नहीं करते। हालांकि सहाबा किराम ने उन्हें एक अच्छा मशवरा दिया था और जायज मशवरा दिया था, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहनने से मना किया था। वो सहाबे रसूल ने कहा, वल्लाही ला अखुज़ु अबदा वक़द तरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मेरे दोस्त कैसी बातें करते हो कि अल्लाह की कसम मैं उसको कभी भी नहीं उठाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं उस अंगूठी को कभी भी नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को फेंक दिया है। अल्लाह अकबर, देख रहे हैं, इसे कहते हैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को नापसंद कर दिया उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। और आज हम हराम चीजों को भी गले लगाए हुए हैं, आज हम जो नापाक चीजें उसको भी हम दिलो जान से चाहते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। नहीं नहीं, हम क्या करें, वो हमारी औरतों की ख्वाहिश है, वो हमारी बीवियों की ख्वाहिश है, वो हमारी सासों की ख्वाहिश है, वो हमारी माओं की ख्वाहिश है, वो हमारे भाइयों का डिमांड है। समाज और माशरे के लोग क्या कहेंगे, आज हमारे पास इस तरह के हीले और बहाने। यहां देखिए कि उस सहाबी रसूल ने कहा, नहीं, जो चीज आपको नापसंद है मुझे भी नापसंद है, मैं उसको कभी नहीं उठाऊंगा। अल्लाह अकबर, आज जरूरत है तरह का अमली किरदार अपनाने की। आज ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, इसलिए तो हम जिल्लत और रुसवाई से दो चार हैं, इसीलिए तो आज हमारे ऊपर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है मेरे दोस्तों। तीसरी चीज आज के इस खुतबे जुमा की, जो चीजें आपको नापसंद थी, जरा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आजकल मोहब्बत रसूल के नाम पर, इश्क रसूल के नाम पर ये चीजें बहुत ज्यादा की जाती हैं। वो जानते क्या है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को म्यूजिक की आवाज नापसंद थी, म्यूजिक की आवाज आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतनी नापसंद थी कि आप उसकी थोड़ी सी भी आवाज अपने कानों में जाना अच्छा नहीं समझते थे। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। नाफे कहते हैं कि एक मरतबा, ये नाफे कौन है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम है। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रास्ते में जा रहा था कि अचानक बांसुरी की आवाज आई, म्यूजिक की आवाज आई। जैसे ही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में वो म्यूजिक की आवाज आई, उन्होंने अपने दोनों कानों में उंगलियां ठूस ली, दोनों कानों में अपनी उंगलियां ठूस ली। वना अनित तरीक, और किनारे के रास्ते हो गए, यानी जिस रास्ते पर उन्होंने म्यूजिक की आवाज को सुना था वो रास्ता ही छोड़ दिया, एकदम किनारे हो गए, दूसरे रास्ते की तरफ चलने लगे। और फिर पूछते थे अपने गुलाम से, कह नाफे जरा ये बतलाओ, क्या वो म्यूजिक की आवाज आ रही है, क्या वो बांसुरी की आवाज आ रही है? तो कहते कि हाँ, ऐसे ही अपने कानों के अंदर रखे रहते। फिर इस तरह से पूछते रहे। नाफे कहते हैं, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ये कहा कि हाँ, अब नहीं आ रही है। तो उन्होंने फिर अपने कानों से उंगलियां हटाई और कहा कि जानते हो, मैं एक मरतबा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मैं सफर कर रहा था कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक की आवाज को सुना, बांसुरी की आवाज को सुना, जो कि एक चरवाहा अपने मुंह से निकाल रहा था किसी भी चीज के जरिए, तो सुनते ही आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कानों के अंदर उंगलियां रख ली थी। तो जो चीज आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया था, मैंने भी वैसा ही किया। अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान की आदत क्या है, आज मुसलमानों की फितरत क्या है कि नाते रसूल सुनते हैं म्यूजिक के साथ, तिलावत सुनते हैं म्यूजिक के साथ, हाँ, और उस म्यूजिक के ऊपर डांस भी करते। जो चीज आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनना भी पसंद नहीं, आज का मुसलमान उसको गले लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाने वाला, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम बनने वाला आज का मुसलमान और आज का नौजवान म्यूजिक को गले लगाया हुआ है, म्यूजिक को सुनता है
व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी लगाता है, फेसबुक के ऊपर उसको अपलोड भी करता है, यूट्यूब के ऊपर भी उसको अपलोड करता है। भला ये बतलाइए कि ये सच्चे मोमिन होने की अलामत है? देख लीजिए क्या से क्या हो रहा है। भला ये बतलाइए क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये पसंद करेंगे कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ म्यूजिक के साथ की जाए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ाई और दरूद और सलाम म्यूजिक के साथ किया जाए? क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बातें पसंद हो सकती है? कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो म्यूजिक सुनना ही ना पसंद है, उसकी थोड़ी सी भी आवाज आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कानों में जाना पसंद नहीं करते थे। ये चीजें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नापसंद थी मेरे दोस्तों। अल्लाहु अकबर। आज मुसलमानों क्या हालत होगी? सोच लीजिए कि आज मुसलमान ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हो सकते नहीं? अरे जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नापसंद को पसंद करे उसके ईमान में ही खोट है, याद रख लीजिए, उसके ईमान में खोट है। ये भूलने वाली बात नहीं है, हमेशा याद रखने वाली बात है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो चीज़ नापसंद थी हमारे लिए इबरत है। ज़रा सब लोग गौर से सुनिएगा, यहाँ जितने सारे लोग हैं आप गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ नापसंद थी? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुँह से बदबू आना नापसंद था। जी हाँ, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे मुँह से बदबू आती रहती है। जी हाँ, किस चीज़ की बदबू? बीड़ी की बदबू आती रहती है, सिगरेट की बदबू आती रहती है। आती रहती है कि नहीं? बहुत सारे हमारे जमाती भाइयों ने कहा रहे मौलाना फला आदमी बीड़ी पी के मेरे खड़े हो जाता, मेरी तो पूरी नमाज चली गई। और ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, बस बीड़ी फूकते आते रहते मस्जिद के पास, अब आते आते थोड़ा बच जाता, जल्दी जल्दी मारते और अंदर घुस जाते। जरा भी एहसास नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, जरा भी ख्याल नहीं। मस्जिद के बाथरूम में बीड़ी सिगरेट पी पी करके उसे भर दिए, जितना पेशाब पैखाने से भरा नहीं है उससे कहीं ज्यादा बीड़ी सिगरेट से भरा हुआ है। लोग अपने घरों के अंदर बाथरूम के अंदर नहीं पीते हैं, बीवी मारेगी, लेकिन मस्जिद के अंदर बैठ करके पीते हैं। क्या ये हमारा ईमान है? क्यों बच्चों को मालूम हो जाएगा मेरा बाप बीड़ी सिगरेट पीता है? नहीं पीते, मस्जिद का बाथरूम इस्तेमाल करते। ये मैं किसी पर ऐब नहीं लगा रहा हूं, जो हकीकत है मैं बयान कर रहा हूं। जरा हदीस सुनिए और फिर फैसला आपके हाथ में है कि हम अपने मुंह को गंदा करके अल्लाह के हुजूर में कैसे आ जाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा और अपने मुंह को पाक साफ रखिए। दिन और रात में 5 मरतबा कुल्ली करते, 3-3 मरतबा कुल्ली करने का हुक्म है वजू के वक्त में। क्यों? मुंह को पाक साफ करने के लिए। मिसवाक करने का हुक्म है। क्यों? ताकि हमारा मुंह पाक साफ रहे। और सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा मिसवाक करते थे कि आपके मुंह में छाले पड़ जाते थे, छाले पड़ जाते थे मिसवाक की वजह से। और हम गंदा करके मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह के हुजूर आ जाते हैं, अल्लाह से बात करते रहते हैं, वो हमें एहसास नहीं है। जरा सुनिएगा गौर से। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास खाना आता था, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस खाने से जितना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाने में तनाउल फरमाते थे, और जो बच जाता था अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेच देते थे। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक दिन मैंने देखा कि जैसा खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था सेम वैसा ही खाना आपने वापस कर दिया, थोड़ा भी नहीं खाया है। इससे पहले क्या होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा करके बचा करके अबू अय्यूब अंसारी को देते थे, लेकिन इस दिन क्या हुआ कि पूरा का पूरा खाना वैसा का वैसा ही है, आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भागे भागे आए, कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खाना तो खाया ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने खाना इसलिए नहीं खाया है कि इसके अंदर कच्चा लहसुन है, कच्चा लहसुन इसके अंदर है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अहरामन हुआ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लहसुन ये हराम है, क्या लहसुन ये हराम है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं नहीं, लहसुन ये हराम नहीं है, लहसुन ये हराम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन ये कच्चा लहसुन खाना ये मुझे इसकी बदबू की वजह से नापसंद है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा
मेरे दोस्तों और मुसलमान भाइयों सुनना कि उन्होंने क्या कहा। कहा अगर ऐसी बात है तो अल्लाह के नबी अकरम करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरहुमा करहता, जब जो चीज आपको नापसंद है मुझे भी नापसंद है। अल्लाहु अकबर। भाई कच्चा लहसुन जो एक हलाल चीज है, भाई हराम है क्या? नहीं है। लेकिन बदबू, मुंह से बदबू आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खाने को तनाउल नहीं फरमाया और आज हम सारा का सारा बास लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आ जाते हैं। भला बतलाइए ये हमारे लिए मुनासिब है? और वैसे भी पीना ये इस्लाम के अंदर हराम है, लेकिन अल्लाह के हुजूर आ करके हम इतनी बुरी हरकत करते हैं हराम चीजों के जरिए, तो जरा सोच लीजिए। एक मरतबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में खुतबे जुमा दिया और खुतबा देते हुए फरमाया कि ऐ लोगों, तुम दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, वो दो चीज़ें तो हलाल है लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। वो दो चीज़ें खबीस है, मैं उसे बदबू की वजह से पसंद नहीं करता हूँ। एक है कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन, ये मुझे पसंद नहीं है। ज़रा गौर से सुनना मेरे दोस्तों, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर किसी इंसान के मुंह से कच्चा लहसुन की अगर बास आती थी, बदबू महसूस होती थी, तो उसे बकी कब्रिस्तान की तरफ ढकेल दिया जाता था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा लिहाजा ऐ लोगों, अगर तुम में से कोई इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करे तो मस्जिद आने से पहले पहले अपने मुँह की बदबू को ख़त्म कर ले। आज हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। कितना गलत करते हैं मेरे दोस्तों, जरा सोचिए कि हमारे और आपके ईमान को क्या हो गया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सरगोशी करने के लिए आते हैं, लिहाजा इस चीज का खास ख्याल रखिए। आप जब नमाज के अंदर आते हैं तो आप अल्लाह से बात करने के लिए आते हैं, अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है, आप सरगोशी करते हैं, अल्लाह से आप सवाल करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अपने मुंह को पाक साफ करके आए, अपने कपड़ों को भी पाक और साफ करके आए। क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाल्लाह।